मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको नमस्कार। 2015 एक प्रकार से मेरी इस वर्ष की आखिरी मन की बात, अगली मन की बात 2016 में होगी। अभी अभी हम लोगों ने क्रिसमस का पर्व मनाया और अब नए वर्ष के स्वागत की तैयारियां चल रही है। भारत विविधताओं से भरा हुआ है, त्योहारों की भी भरमार लगी रहती है। एक त्यौहार गया नहीं कि दूसरा आया नहीं। एक प्रकार से हर त्यौहार दूसरे त्यौहार के प्रतीक्षा को छोड़ के चला जाता है। कभी कभी तो लगता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर त्यौहार ड्रिवन इकोनॉमी भी है। समाज के गरीब तबके के लोगों को आर्थिक गतिविधि का वो कारण बन जाता है। मेरी तरफ से सभी देशवासियों को क्रिसमस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और 2016 के नववर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2016 का वर्ष आप सभी के लिए ढेरों खुशियां लेकर के आए। नया उमंग, नया उत्साह, नया संकल्प आपको नई ऊंचाइयों पर पहुंचाए। दुनिया भी संकटों से मुक्त हो, चाहे आतंकवाद हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे प्राकृतिक आपदाएं हो, चाहे मानव सर्जित संकट हो, मानव जात सुख चैन की जिंदगी पाए, इससे बढ़कर के खुशी क्या हो सकती है। आप तो जानते ही हैं कि मैं टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग करता रहता हूं, उससे मुझे बहुत सारी जानकारियां भी मिलती हैं। MyGov मेरे इस पोर्टल पर मैं काफी नजर रखता हूं। पुणे से श्रीमान गणेश वी सावलेश वारकर, उन्होंने मुझे लिखा है कि ये सीजन टूरिस्ट की सीजन होती है, बहुत बड़ी मात्रा में देश विदेश के टूरिस्ट आते हैं, लोग भी क्रिसमस की छुट्टियां मनाने जाते हैं। टूरिज्म के क्षेत्र में बाकी सब सुविधाओं की तरफ तो ध्यान दिया जाता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जहाँ जहाँ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट प्लेस है, यात्रा धाम है, प्रवास धाम है, वहाँ पर स्वच्छता के संबंध में विशेष आग्रह रखना चाहिए। हमारे पर्यटन स्थल जितने साफ सुथरे होंगे, दुनिया में भारत की छवि अच्छी बनेगी। मैं गणेश जी के विचारों का स्वागत करता हूँ और मैं गणेश जी की बात को देशवासियों को पहुँचा रहा हूँ। और वैसे भी हम अतिथि देवो भव कहते हैं, तो हमारे यहाँ तो जब अतिथि आने वाला होता तो घर में हम कितनी साज सज्जा और सफाई करते हैं। तो हमारे पर्यटन स्थल पर, टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर, हमारी यात्रा धामों पर इस सचमुच में एक विशेष बल देने वाला काम तो है ही है। और मुझे ये भी खुशी है कि देश में स्वच्छता के संबंध में लगातार खबरें आती रहती हैं। मैं डे वन से इस विषय में मीडिया के मित्रों का तो धन्यवाद करता ही रहता हूँ, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी अच्छी अच्छी चीजें खोज खोज करके वो लोगों के सामने रखते हैं। अभी मैंने एक अखबार में एक चीज पढ़ी थी, मैं चाहूंगा कि देशवासियों को मैं बताऊं। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भोजपुरा गांव में एक बुजुर्ग कारीगर दिलीप सिंह मालविया, अब वो सामान्य कारीगर हैं जो मैशन का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उन्होंने एक ऐसा अनूठा काम किया कि अखबार ने उनकी एक कथा छापी और मेरे ध्यान में आई तो मुझे भी लगा कि मैं इस बात को आप तक पहुंचाऊं। छोटे से गांव के दिलीप सिंह मालविया, उन्होंने तय किया कि गांव में अगर कोई मटेरियल प्रोवाइड करता है तो शौचालय बनाने के लिए जो मजदूरी लगेगी वो नहीं लेंगे, और वो मुफ्त में मैशन के नाते काम करते हुए शौचालय बना देंगे। भोजपुरा गांव में उन्होंने अपने परिश्रम से मजदूरी लिए बिना, ये काम एक पवित्र काम है इस मान करके, अब तक उन्होंने 100 शौचालयों का निर्माण कर दिया है। मैं दिलीप सिंह मालविया को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन देता हूँ। देश के संबंध में निराशा की बातें कहीं कभी सुनते हैं, लेकिन ऐसे कोटि कोटि दिलीप सिंह हैं इस देश में जो अपने तरीके से कुछ न कुछ अच्छा कर रहे हैं। यही तो देश की ताकत है, यही तो देश की आशा है, और यही तो बातें हैं जो देश को आगे बढ़ाती है। और तब मन की बात में दिलीप सिंह का गर्व करना, उनका गौरव करना बहुत स्वाभाविक लगता है। अनेक लोगों के अथक प्रयास का परिणाम है कि देश बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। कदम से कदम मिलाकर के 125 करोड़ देशवासी एक एक कदम खुद भी आगे बढ़ रहे हैं, देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं। बेहतर शिक्षा, उत्तम कौशल एवं रोजगार के नित नए अवसर, चाहे नागरिकों को बीमा सुरक्षा कवर से लेकर बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने की बात हो, वैश्विक फलक पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार, व्यापार
और नए व्यवसाय करने के लिए सुविधाजनक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना, सामान्य परिवार के लोग जो कभी बैंक के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाते थे, मुद्रा योजना के तहत आसान ऋण उपलब्ध करवाना। हर भारतीय को जब ये पता चलता है कि पूरा विश्व योग के प्रति आकर्षित हुआ है और दुनिया ने जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया और पूरा विश्व जुड़ गया, तब हमें विश्वास पैदा हो गया कि वाह, ये तो है ना हिंदुस्तान। ये भाव जो पैदा होता है ना, ये तब होता है जब हम विराट रूप के दर्शन करते हैं। यशोदा माता और कृष्ण की वो घटना कौन भूलेगा, जब से बाल कृष्ण ने अपना मुंह खोला और पूरे ब्रह्मांड का माता यशोदा को दर्शन करा दिए, तब उनको ताकत का एहसास हुआ। योग की घटना ने भारत को वो एहसास दिलाया है। स्वच्छता की बात एक प्रकार से घर घर में गूंज रही है, नागरिकों का सहभाग भी बढ़ता चला जा रहा है। आजादी के इतने सालों के बाद जिस गांव में बिजली का खंभा पहुंचता होगा, शायद हम शहर में रहने वाले लोगों को या जो बिजली का उपभोग करते हैं उनको कभी अंदाज नहीं होगा कि अंधेरा छटता है तो उत्साह और उमंग की सीमा क्या होती है। भारत सरकार का और राज्य सरकारों का ऊर्जा विभाग काम तो पहले भी करता था, लेकिन जब से गांवों में बिजली पहुंचाने का 1000 दिन का जो संकल्प किया है, और हर दिन जब खबर आती है कि आज उस गांव में बिजली पहुंची, आज उस गांव में बिजली पहुंची, तो साथ साथ उस गांव के उमंग और उत्साह की खबरें भी आती हैं। अभी तक व्यापक रूप से मीडिया में इसकी चर्चा नहीं पहुंची है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मीडिया ऐसे गांवों में जरूर पहुंचेगा और वहां का उत्साह उमंग कैसा है उससे देश को परिचित करवाएगा। और उसके कारण सबसे बड़ा तो लाभ ये होगा कि सरकार के जो मुलाजिम इस काम को कर रहे हैं उनको एक इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो किसी गांव की किसी की जिंदगी में बदलाव लाने वाला है। किसान हो, गरीब हो, युवा हो, महिला हो, क्या इन सबको ये सारी बातें पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए? पहुंचनी इसलिए नहीं चाहिए कि किस सरकार ने क्या काम किया और किस सरकार ने काम क्या नहीं किया। पहुंचनी इसलिए चाहिए कि वो अगर इस बात का हकदार है तो हक जाने न दे, उसके हक को पाने के लिए भी तो उसको जानकारी मिलनी चाहिए ना। हम सब ने कोशिश करनी चाहिए कि सही बातें, अच्छी बातें, सामान्य मानवीय के काम की बातें जितने ज्यादा लोगों को पहुंचती हैं पहुंचानी चाहिए। यह भी एक सेवा का ही काम है। मैंने अपने तरीके से भी इस काम को करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। मैं अकेला तो सब कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं तो कुछ मुझे भी करना चाहिए ना। एक सामान्य नागरिक भी अपने मोबाइल फोन पर नरेंद्र मोदी ऐप को डाउनलोड करके मुझसे जुड़ सकता है और ऐसी छोटी 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 बातें मैं उस पर शेयर करता रहता हूं। और मेरे लिए खुशी की बात है कि लोग भी मुझे बहुत सारी बातें बताते हैं। आप भी अपने तरीके से जरूर इस प्रयास में जुड़िए। 125 करोड़ देशवासियों तक पहुंचना है, आपकी मदद के बिना मैं कैसे पहुंचूंगा? आइए हम सब मिलकर के सामान्य मानवीय के हितों की बातें सामान्य मानवीय की भाषा में पहुंचाएं और उनको प्रेरित करें उनके हक की चीजों को पाने के लिए। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, 15 अगस्त को लाल किले से मैंने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, उसके संबंध में एक प्राथमिक चर्चा की थी। उसके बाद सरकार के सभी विभागों में इस बात चल पड़ी, क्या भारत स्टार्टअप कैपिटल बन सकता है? क्या हमारे राज्यों के बीच नौजवानों के लिए एक उत्तम अवसर के रूप में नए नए स्टार्टअप, अनेकविध स्टार्टअप, नए नए इनोवेशन, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे सर्विस सेक्टर में हो, चाहे एग्रीकल्चर में हो, हर चीज में नयापन, नया तरीका, नई सोच, दुनिया इनोवेशन के बिना आगे बढ़ती ही नहीं है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा अवसर लेके आई है। मेरे नौजवान साथियों, 16 जनवरी को भारत सरकार स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, उसका पूरा एक्शन प्लान लॉन्च करने वाली है। कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, एक खाका आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और इस कार्यक्रम में देश भर की IIT, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, NITs, जहाँ जहाँ युवा पीढ़ी है उन सबको लाइव कनेक्टिविटी के द्वारा इस कार्यक्रम में जोड़ा जाएगा। स्टार्टअप के संबंध में हमारे यहाँ एक सोच बंधी बंधाई बन गई है, जैसे डिजिटल वर्ल्ड हो या IT प्रोफेशन हो, ये स्टार्टअप उन्हीं के लिए, जी नहीं, हमें तो उसको भारत की आवश्यकताओं के अनुसार,
बदलाव लाना है। गरीब व्यक्ति कहीं मजदूरी करता है, उसको शारीरिक श्रम पड़ता है, लेकिन कोई नौजवान इनोवेशन के द्वारा एक ऐसी चीज बना दे कि गरीब को मजदूरी में थोड़ी सुविधा हो जाए, मैं इसको भी स्टार्टअप मानता हूँ। मैं बैंक को कहूँगा कि ऐसे नौजवान को मदद करो, मैं उसको भी कहूँगा कि तुम हिम्मत से आगे बढ़ो, मार्केट मिल जाएगा। उसी प्रकार से क्या हमारे युवा पीढ़ी की बुद्धि संपदा कुछ ही शहरों में सीमित है क्या? ये सोच गलत है। हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। ये स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया कुछ शहरों में सीमित नहीं रहना चाहिए, हिंदुस्तान के हर कोने में फैलना चाहिए। और इसलिए मैं राज्य सरकारों से भी आग्रह कर रहा हूँ इस बात को हम आगे बढ़ाएं। 16 जनवरी को मैं जरूर आप सबसे रूबरू होकर के विस्तार से इस विषय में बातचीत करूँगा और हर हमेश आपके सुझावों का स्वागत रहेगा। प्यारे नौजवान साथियों, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है। मेरे जैसे इस देश के कोटि कोटि लोग हैं जिनको स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा मिलती रही है। 1995 से 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती को एक नेशनल यूथ फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष यह 12 जनवरी से 16 जनवरी तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में होने वाला है और मुझे जानकारी मिली कि इस बार की उनकी जो थीम है, क्योंकि उनका ये इवेंट थीम बेस्ड होता है, थीम बहुत बढ़िया है, इंडियन यूथ ऑफ डेवलपमेंट स्किल एंड हार्मनी। मुझे बताया गया कि सभी राज्यों से, हिंदुस्तान के कोने कोने से 10,000 से ज़्यादा युवा इकट्ठे होने वाले हैं। एक लघु भारत का दृश्य वहाँ पैदा होने वाला है, युवा भारत का दृश्य पैदा होने वाला है, एक प्रकार से सपनों की बाढ़ नजर आने वाली है, संकल्प का एहसास होने वाला है। इस यूथ फेस्टिवल के संबंध में क्या आप मुझे अपने सुझाव दे सकते हैं? मैं खास करके युवा दोस्तों से आग्रह करता हूं कि मेरी जो नरेंद्र मोदी ऐप है उस पर आप डायरेक्टली मुझे अपने विचार भेजिए। मैं आपके मन को जानना समझना चाहता हूं और जो ये नेशनल यूथ फेस्टिवल में रिफ्लेक्ट हो, मैं सरकार में उसके लिए उचित सुझाव भी दूंगा, सूचनाएं भी दूंगा। तो मैं इंतजार करूंगा दोस्तों नरेंद्र मोदी ऐप पर यूथ फेस्टिवल के संबंध में आपके विचार जानने के लिए। अहमदाबाद गुजरात के दिलीप चौहान, जो एक विजुअली चैलेंज टीचर है, उन्होंने अपने स्कूल में एक्सेसिबल इंडिया डे उसको मनाया। उन्होंने मुझे फोन करके अपनी भावनाएं व्यक्त की है। सर, वी सेलिब्रेटेड एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन इन माय स्कूल। आई एम अ विजुअली चैलेंज टीचर एंड आई एड्रेस द 2000 चिल्ड्रन ऑन द इश्यू ऑफ डिसेबिलिटी एंड हाउ वी कैन स्प्रेड अवेयरनेस एंड हेल्प डिफरेंटली एबल पीपल एंड स्टूडेंट्स। रिस्पॉन्स वर फैंटास्टिक। वी एंजॉयड इन द स्कूल एंड स्टूडेंट्स वर इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड टू हेल्प द डिसेबल पीपल इन द सोसाइटी। आई थिंक इट वॉज अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय यू। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तो स्वयं इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप भली भांति इन बातों को समझते हैं और आपने तो बहुत सारी कठिनाइयां भी झेली होगी। कभी कभी समाज में इस प्रकार के किसी व्यक्ति से मिलने का अवसर आता है तो हमारे मन में ढेर सारे विचार आते हैं, हमारी सोच के अनुसार हम उसे देखने का अपना नज़रिया भी व्यक्त करते हैं। कई लोग होते हैं जो हादसे के शिकार होने के कारण अपना कई अंग गंवा देते हैं, कुछ लोग होते हैं कि जन्मजात ही कोई क्षति रह जाती है, और ऐसे लोगों के लिए दुनिया में अनेक अनेक शब्द प्रयोग हुए हैं, लेकिन हमेशा इन शब्दों के प्रति भी चिंतन चलता रहा है। हर समय लोगों को लगा नहीं नहीं नहीं, ये उनके लिए ये शब्द की पहचान अच्छी नहीं लगती है, सम्मानजनक नहीं लगती है। और हमने देखा होगा कि कितने शब्द आ चुके हैं, कभी हैंडीकैप शब्द सुनते थे तो कभी डिसेबल शब्द सुनते थे तो कभी स्पेशली एबल पर्सन, अनेक शब्द आते रहते हैं। ये बात सही है कि शब्दों का भी अपना एक महत्व होता है। इस वर्ष जब भारत सरकार ने सुगम्य भारत अभियान का प्रारंभ किया उस कार्यक्रम में मैं जाने वाला था, लेकिन तमिलनाडु के कुछ जिलों में और खास करके चेन्नई में भयंकर बाढ़ के कारण मेरा वहां जाने का कार्यक्रम बना, उस दिन मैं उस कार्यक्रम में रह नहीं पाया था। लेकिन
उस कार्यक्रम में जाना था तो मेरा मन में कुछ न कुछ विचार चलते रहते थे। तो उस समय मेरे मन में विचार आया था कि परमात्मा ने जिसको शरीर में कोई कमी दी है, कोई क्षति दी है, एकाध अंग ठीक से काम नहीं कर रहा है, हम उसे विकलांग कहते हैं और विकलांग के रूप में जानते हैं। लेकिन कभी कभी उनके परिचय में आते हैं तो पता चलता है कि हमें आंखों से उसकी एक कमी दिखती है, लेकिन ईश्वर ने उसको कोई एक्स्ट्रा पावर दिया होता है, एक अलग शक्ति का उसके अंदर परमात्मा ने निरूपण किया होता है, जो अपनी आंखों से हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब उसे देखते हैं काम करते हैं उस अपने काबिलियत की ओर, तो ध्यान जाता है, अरे वाह ये कैसे करता है। तो फिर मेरे मन में विचार आया कि आंख से तो हमें लगता है कि शायद वो विकलांग है, लेकिन अनुभव से लगता है कि उसके पास कोई एक्स्ट्रा पावर, अतिरिक्त तो शक्ति है। और तब जाकर के मेरे मन में विचार आया, क्यों ना हम हमारे देश में विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द का उपयोग करें। ये वो लोग हैं जिनके पास वो ऐसा एक अंग है या एक से अधिक ऐसे अंग है जिसमें दिव्यता है, दिव्य शक्ति का संचार है, जो हम सामान्य शरीर वालों के पास नहीं है। मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मेरे देशवासी, हम आदतन विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द को प्रचलित कर सकते हैं क्या? मैं आशा करता हूं कि इस बात को आप आगे बढ़ाएंगे। उस दिन हमने सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत की है, इसके तहत हम फिजिकल और वर्चुअल दोनों तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार कर उन्हें दिव्यांग लोगों के लिए सुगम्य बनाएंगे। स्कूल हो, अस्पताल हो, सरकारी दफ्तर हो, बस अड्डे हो, रेलवे स्टेशन में रैंप हो, एक्सेसिबल पार्किंग, एक्सेसिबल लिफ्ट, ब्रेल लिपि, कितनी बातें हैं, इन सब में उसे सुगम्य बनाने के लिए इनोवेशन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, व्यवस्था चाहिए, संवेदनशीलता चाहिए। इस काम का बीड़ा उठाया है, जन भागीदारी भी मिल रही है, लोगों को अच्छा लगा है। आप भी अपने तरीके से जरूर इसमें जुड़ सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, सरकार की योजनाएं तो निरंतर आती रहती हैं, चलती रहती हैं, लेकिन ये बहुत आवश्यक होता है कि योजनाएं हमेशा प्राणवान रहनी चाहिए, योजनाएं आखिरी व्यक्ति तक जीवंत होनी चाहिए, वो फाइलों में मृतप्राय नहीं होनी चाहिए। आखिर योजना बनती हैं सामान्य व्यक्ति के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए। पिछले दिनों भारत सरकार ने एक प्रयास किया कि योजना के जो हकदार हैं उनके पास सरलता से लाभ कैसे पहुंचे। हमारे देश में गैस सिलेंडर में सब्सिडी दी जाती है, करोड़ों रुपया उसमें जाते हैं, लेकिन ये हिसाब किताब नहीं था कि जो लाभार्थी है उसी के पास पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, सही समय पर पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। सरकार ने इसमें थोड़ा बदलाव किया, जनधन अकाउंट हो, आधार कार्ड हो, इन सब की मदद से विश्व की सबसे बड़ी लार्जेस्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के द्वारा सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में सब्सिडी पहुंचना। देशवासियों के बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि अभी अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे स्थान मिल गया कि दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है जो सफलतापूर्वक लागू कर दी गई है। पहल नाम से ये योजना प्रचलित है और प्रयोग बहुत सफल रहा है। नवंबर अंत तक करीब करीब 15 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता पहल योजना के लाभार्थी बन चुके हैं। 15 करोड़ लोगों के खाते में, बैंक अकाउंट में सरकारी पैसे सीधे जाने लगे हैं। न कोई बिचौलिया, न कोई सिफारिश की जरूरत, न कोई भ्रष्टाचार की संभावना। एक तरफ आधार कार्ड का अभियान, दूसरी तरफ जनधन अकाउंट खोलना, तीसरी तरफ राज्य सरकार और भारत सरकार मिलकर के लाभार्थियों की सूची तैयार करना, उनको आधार से और अकाउंट से जोड़ना, ये सिलसिला चल रहा है। इन दिनों तो मनरेगा, जो कि गांव में रोजगार का अवसर देता है, वो मनरेगा के पैसे बहुत शिकायतें आती थी, कई स्थानों पर अब वो सीधा पैसा उस मजदूरी करने वाले व्यक्ति के खाते में जमा होने लगे हैं। स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप में भी कई कठिनाइयां होती थी, शिकायतें भी आती थी, उनमें भी अब प्रारंभ कर दिया है, धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। अब तक करीब करीब 40,000 करोड़ रुपया सीधा ही लाभार्थी के खाते में जाने लगे हैं अलग अलग योजनाओं के माध्यम से। एक मोटा मोटा मेरा अंदाज है करीब करीब 35 से 40 योजनाएं अब सीधे सीधी
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर समाहित की जा रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, 26 जनवरी भारतीय गणतंत्र दिवस का एक सुनहरा पल। ये भी सुभग संयोग है कि इस बार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, हमारे संविधान के निर्माता, उनकी 125वीं जयंती है। संसद में भी दो दिन संविधान पर विशेष चर्चा रखी गई थी और बहुत अच्छा अनुभव रहा। सभी दलों ने, सभी सांसदों ने संविधान की पवित्रता, संविधान का महत्व, संविधान का सही स्वरूप में समझना बहुत ही उत्तम चर्चा की। इस बात को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। गणतंत्र दिवस सही अर्थ में जन जन को तंत्र के साथ जोड़ सकता है क्या, और तंत्र को जन जन के साथ जोड़ सकता है क्या? हमारा संविधान हमें बहुत अधिकार देता है और अधिकारों की चर्चा सहज रूप से होती है और होनी भी चाहिए, उसका भी उतना ही महत्व है। लेकिन संविधान कर्तव्य पर भी बल देता है, लेकिन देखा यह गया है कि कर्तव्य की चर्चा बहुत कम होती है। ज्यादा से ज्यादा जब चुनाव होते हैं तो चारों तरफ एडवर्टाइजमेंट होते हैं, दीवारों पर लिखा जाता है, होल्डिंग लगाए जाते हैं कि मतदान करना हमारा पवित्र कर्तव्य है। मतदान के समय तो कर्तव्य की बात बहुत होती है, लेकिन क्यों न सहज जीवन में भी कर्तव्य की बातें हो। जब इस वर्ष हम बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जयंती मना रहे हैं, तो क्या हम 26 जनवरी को निमित्त बना करके स्कूलों में, कॉलेजेज में, अपने गांवों में, अपने शहर में, भिन्न भिन्न सोसाइटीज में, संगठनों में कर्तव्य इसी विषय पर निबंध स्पर्धा, काव्य स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा ये कर सकते हैं क्या? अगर 125 करोड़ देशवासी कर्तव्य भाव से एक के बाद एक कदम उठाते चले जाएं, तो कितना बड़ा इतिहास बन सकता है। लेकिन चर्चा से शुरू तो करें। मेरे मन में एक विचार आता है, अगर आप मुझे 26 जनवरी के पहले ड्यूटी, कर्तव्य अपनी भाषा में, अपनी भाषा के उपरांत अगर आपको हिंदी में लिखना है तो हिंदी, अंग्रेजी में लिखना है तो अंग्रेजी में, कर्तव्य पर काव्य रचनाएं हो, कर्तव्य पर ऐसे राइटिंग हो, निबंध लिखे, आप मुझे भेज सकते हैं क्या? मैं आपके विचारों को जानना चाहता हूँ। माई गॉव, मेरे इस पोर्टल पर भेजिए, और मैं जरूर चाहूंगा कि मेरे देश की युवा पीढ़ी कर्तव्य के संबंध में क्या सोचती है। एक छोटा सा सुझाव देने का मन करता है, 26 जनवरी जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्या हम नागरिकों के द्वारा, स्कूल कॉलेज के बालकों के द्वारा, हमारे शहर में जितनी भी महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं, स्टैचू लगे हैं, उसकी सफाई, उस परिसर की सफाई, उत्तम से उत्तम स्वच्छता, उत्तम से उत्तम सुशोभन 26 जनवरी निमित्त कर सकते हैं क्या? और ये मैं सरकारी राह पर नहीं कह रहा हूँ, नागरिकों के द्वारा। जिन महापुरुषों का स्टैचू लगाने के लिए हम इतने इमोशनल होते हैं, लेकिन बाद में उसको संभालने में हम इतने ही उदासीन होते हैं, समाज के नाते, देश के नाते, क्या ये हम अपना सहज स्वभाव बना सकते हैं क्या? इस 26 जनवरी को हम सब मिलकर प्रयास करें कि ऐसी महापुरुषों की प्रतिमाओं का सम्मान, वहां सफाई, परिसर की सफाई, और ये सब जनता जनार्दन द्वारा, नागरिकों द्वारा सहज रूप से हो। प्यारे देशवासियों, फिर एक बार नव वर्ष की, 2016 की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत